नए गली न्यूज इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो बोलो 11 बजे से आपके लिए बुलाए वो जाए था, ओ इसको छोड़ ले। अरे अंदर तो ये देखो तो सही। अरे अंदर है ना सर, कितनी है यार अंदर यार। अरे अंदर अंदर जाए पकड़ी है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अभी हम खड़े मुमरा के चरनीपाड़ा इलाके पर। ये जो नाला है बाईपास को होते हुए चरनीपाड़ा, ये कौसा गांव कादर पैलिस और ये मित्तल तक ये नाला जाता है। तो सुबह 11 बजे ऐसी खबर आई कि नाले में किसी ने आग लगा दिया है और वो आग इतनी तेज़ी के भड़कती गई कि आग तकरीबन ये 100 फुट की दूरी तक ये आग ने अपनी चपेट में सब ले लिया। तो हमने यहाँ के स्थानीय नगर सेवक आश्विन राउत के जो हस्बैंड है इब्राहिम राउत, उनको कांटेक्ट किया। वो यहाँ पर आए और फायर ब्रिगेड की टीम को बुलाकर ये आग बुझाने का काम शुरू हुआ। तो हम पूछते इब्राहिम भाई से क्या है इसके। इब्राहिम भाई, जो नाले जो है यहाँ पे, जो ये तो डंपिंग ग्राउंड बन चुका है, तो इस पर क्या करना चाहिए? प्रशासन ने तो अभी जैसा थोड़ी देर पहले हमारे एक भाई पत्रकार ने भी मुझसे बोला था इसके ऊपर क्या एक्शन लेना चाहिए। तो मैं सबसे पहले तो प्रशासन की भी जवाबदारी है कि इसके ऊपर सफाई का ध्यान रखे, सफाई का ख्याल रखना चाहिए। दूसरी बात ये है कि यहाँ के जो जहाँ जहाँ जो लोग रहते हैं अपने घरों की, जिस तरह लोग सफाई रखते हैं घर का के ऊपर लाखों रुपया खर्च करते हैं, लेकिन वो हमारे लोगों का मिजाज ऐसा है कि हम सिर्फ घर साफ रखेंगे, हमारे सराउंडिंग के साफ करने की किसी को फिक्र नहीं है। सफाई हालांकि देखा जाए तो सफाई हमारा आधा ईमान है। अगर हम सफाई सराउंडिंग में रखेंगे तो हमारा सारा एरिया साफ़ सुथरा रहेगा, लोग अच्छे से चहल पहल कर सकते हैं। अभी हम यहाँ खड़े रहने को भी हमारा मन नहीं हो रहा है, लेकिन अभी जब आग लगी है, आप लोगों ने इसको देखा तो आप लोगों ने इसके ऊपर हमको भी बुलाया, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मौके पर आप पहुँचे। जैसे आप बताए कि 11 बजे से आग लगी है, लेकिन इसके ऊपर कोई देखने वाला ही नहीं है। अभी हम आपने आपके बोलने पर हम आए, फायर ब्रिगेड को बुलाकर इसके ऊपर जो है आग को अभी काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह थोड़ी देर में आग भी काबू में आ जाएगी और मैं अभी प्रशासन से अपील करूंगा कि इसके ऊपर जो है जल्दी से जल्दी इसके सफाई का इंतज़ाम किया जाए। और मैं ख़ास एक आवाम से भी अपील करता हूं कि आपने जैसा घरों को साफ रखते हैं, यहाँ पे घंटा गाड़ी डेली बेसिस पे आती, नाले में कचरा नहीं डालते, वो घंटा गाड़ी में कचरे को डाले। बिल्कुल बात सही है कि यहाँ के लोग यहाँ पर कचरा ना डालें। लेकिन इब्राहिम भाई, एक सवाल उठता है कि यहाँ पर ये हमने देखा है नाला साल में एक बार साफ होता है, तो क्या नाले को साल में 3 बार 4 बार क्यों नहीं साफ़ किया जाता है? आप देख सकते हैं कि साल में एक बार भी ये मानसून का टाइम आएगा तो नाला साफ़ होगा, तो ऐसा नहीं हो सकता साल में 2-3 बार हो तो ये कचरा ज़्यादा नहीं होगा? बिल्कुल होना चाहिए। एक्चुअली प्रशासन से सारे नगर सेवक लोग इस बात की मांगनी करते हैं, कम से कम जो है साल में आप इसको 2 बार साफ़ करें। ये सालों से इसके ऊपर आवाज़ उठ रही है क्या, दिसंबर में आप इसको साफ़ करो, फिर हम लोग का मानसून आता है जून में, तो जून से पहले एक महीने मई में साफ़ करो, साल में 2 बार साफ़ होएगा तो इतनी गंदगी भी नहीं होगी और इतना कचरा भी नहीं होगा। तो मैं प्रशासन से मांगनी करता हूँ कि इसके ऊपर अमल करें, साल में कम से कम इसको 2 बार तो साफ़ किया जाए हर जगह के नाले को। इब्राहिम भाई, जैसे कि अभी हमने आपको कॉन्टेक्ट किया, आप तुरंत तत्काल में 5 मिनट में आपने यहाँ पर विजिट किया और फायर ब्रिगेड की टीम को बुलाया, लेकिन सर अभी जो डंपिंग ग्राउंड बन चुका है, ये कितने दिन में यहाँ पर खाली साफ़ किया जाएगा? देखो मैं अभी बोल रहा हूँ तो अभी इंशाल्लाह, देखो इनसे भी अभी आप फायर ब्रिगेड वाले से भी बात करो कि ये भी जो है
हमारे कंसर्न डिपार्टमेंट से रابطہ करें और इसके ऊपर सफाई करने के लिए कोई इमीडिएट एक्शन ले। मैं भी इंशाल्लाह इसके ऊपर अभी कागजी कार्रवाई करूंगा, प्रशासन से इसकी मांगनी करूंगा कि ये नाले को जो है जल्द से जल्द इसको साफ करके ले ले। बहुत बहुत शुक्रिया इब्राहिम भाई ने, बहुत अच्छा कहा कि नाला जल्द से जल्द ये साफ होगा। तो हम देखते हैं कि नाला कब तक साफ होता है, इस पर हमारा पूरा फॉलोअप होगा, पूरी नजर होगी। साल से रहता हुआ तो अभी ये कब से जल रहा है? ये सुबह से जल रहा है, देखो ना पूरे घरों में कैसा धुआं जा रहा है, लोगों को तकलीफ हो रही है। हमारे यहाँ के नेता कुछ काम के नहीं है, सिर्फ आते देखते फोटो खींचते चले जाते, ऐसे हो रहा हमारे साथ में। कितने साल का ये इसको जल रहा है? ये सुबह से जल रहा है भाई। ओके, सुबह से जल रहा है, सुबह से जल रहा है। देखो ना तुम, ये धुआं दिख रही है तुमको, अभी जलावा लगता है, देख रहा है आपको सुबह से जलावा दिख रहा है कि नहीं? बेसिकली देखो सुबह से हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं कि यहाँ पर ना धुआं निकल रहा है, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। मैं अभी आया तो भाई मिले, बोले यहाँ पर आग किसने लगाया, तो समझ में नहीं आया कि आग किसने लगाया हुआ है। लेकिन ये एक बेवकूफ़ी है लोगों की। फर्स्ट ऑफ ऑल तो लोगों को यहाँ पर शर्म ही नहीं है, कितने बार भी समझाया कि भाई कचरा मत डालो मत डालो, जरा भी ये क्या होता है, ये एकदम गलत इन्फॉर्मेशन है। वो औरत ने जिसने कचरा डाली उनको मैंने देखा है, वो हमारी ही बिल्डिंग से है। नंबर वन, पूरे वीक में कचरे वाला आता है, संडे के दिन नहीं आता है, तो संडे के दिन अपना कचरा अपने घर में स्टोर कर लो, हम भी वही करते हैं। दूसरी बात, घंटा गाड़ी रोज़ आती है मेरी शॉप पे, यहाँ पर मैं रोज़ वहीं डंप करता हूँ और घंटा गाड़ी रोज़ आती है, रोज़ की उनकी ड्यूटी वो लोग बराबर से निभाते। लोग जो है ना, ये लोग लेजी है। तो ये कचरा मतलब बाहर से लोग आते हैं कि आपको लगता है कि ये बिल्डिंग वाले हैं? ऐसे भी आता है, ये बिल्डिंग वाले भी डालते हैं। अच्छा, ये बिल्डिंग वाले के सारों के किचन है, हॉल है यहाँ पर, ये सारे यहीं पर डालते हैं और बाहर से भी लोग यहाँ पर आके डालते हैं। हम लोग जितना हो सकता मना करते लोगों को, लेकिन मना करने वाली सिचुएशन यहाँ पर नहीं है। सब यहाँ पर कैसे लोग रहते हैं मालूम है ना, सब ये माइग्रेट हुए हैं यहाँ पर और ये लोग गंदगी करके रखे हुए हैं। ये बिल्डिंग में रहने के लायक है नहीं यहाँ पे, जितनी जीपी बनी हुई ना ये सब माइग्रेट करके आए हुए झोपड़पट्टी के लोग हैं। मैं सामने रहता हूँ, कब से हो रहा है ये? ये तो बहुत टाइम से हो रहा है, हम लोग मना भी करते हैं कितना भी, लेकिन सुनती नहीं पब्लिक। पब्लिक को बोले तो पहले इतना सारा कचरा टाइम से, पहले भी ऐसा हुआ है कि आज हो रहा है? पहले भी ऐसा हुआ है, ऐसा नहीं क्या अभी हुआ है, पहले भी ऐसा ही है। ऐसे पब्लिक को कितना समझाएंगे, समझा के थक गए हम लोग भी। तो बोलते तो उल्टा वो बोलते, मतलब बाहर का आदमी जलाया है कि क्या क्या हुआ है, अभी जलाया किसने, ऐसा किस कुछ पता है? अभी जलाया है वो, कुछ आइडिया नहीं है उसका मेरे को। ओके, मैं सुबह उठा तो आग लगी थी, तो अब कुछ कर नहीं सकते उसमें, आग लगे तो और धुआं धुआं वैसे ही चल रहा है, धुआं सब जगह। सरीना जी, ये कचरा जल रहा है, इसके ऊपर कुछ कहना चाहेंगी आप? अरे भाई मैं क्या बताऊँ, लोग बिल्डिंग में रहते हैं फिर भी देख लो गंदगी करते रहते हैं। ये नहीं कचरे वाला था, कचरे को उठा दे दो, क्या बताओ, इसलिए मैं यहाँ कर छोड़ दी हूँ मैं इधर ना बिल्डिंग में। हाँ, किसी ने कचरा, लोग के लोग समझते नहीं ममरा के लोग क्या बोलने का, करो सबको बदनाम करते हैं सब लोग। चलो नहीं आया था कॉन्ट्रैक्टर, दो दिन से ना घूम रहा है वो, सर्वे कर रहा है, मेरे को भी